हाँ बेटा, आपको क्या हुआ? बच्चे की हालत तो काफी खराब है, बुखार भी काफी तेज है। ये कुछ गोलियां देता हूँ, खाने के बाद देना, और ये दवा भी साथ में पिलाना। अच्छा डॉक्टर साहब। ओके, आइए। जी डॉक्टर। अच्छा बेटा। हाँ बेटा। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बहुत बीमार है, 2 दिन से खांसी। तो भाई बद्री। शंकर भैया, आप प्रताप की तबीयत कैसी है? कोई फर्क नहीं भैया, कोई फर्क नहीं, देखी नहीं जाती उसकी दशा। क्या किया गया है कुछ समझ में नहीं आता। मुझे तो रह रहे के यीशु का वही चमत्कार याद आता है कि कैसे उन्होंने उस बीमार बच्चे को चलता कर दिया था। कल बैठे बैठे मैं उस चमत्कार के बारे में सोच रहा था, अपने साथ भी हुआ तो कितना अच्छा होगा। मुझे तो उस बेचारे प्रताप पे बड़ा तरस आता है। सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं बेचारे, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब तो बस ऊपर वाले का सहारा है। हाँ, वो पिक्चर में देखा नहीं, यीशु मसीहा ने क्या क्या किया था? गोपी और बापूजी भी यही कह रहे थे। क्या? यही कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। भूखों को भरपेट खाना खिलाते थे, सबका ख्याल रखते थे। और जो उनमें यकीन करता है ना, उन्हें यकीन दिलाते थे कि चाहे जो भी हो जाए, कभी भी डरना मत। गौरी। हाँ, तू क्या जानती है यीशु के बारे में? ज्यादा कुछ नहीं, दद्दा ने कुछ बातें बताई हैं, जैसे उसके जन्म से हजारों साल पहले भविष्यवक्ताओं ने और नबियों ने बताया था कि ऐसा कोई आदमी जन्म लेने वाला है। उनके पैदा होने से पहले ही पवित्र लेखनियों में लिख दिया गया था उनके जन्म के बारे में। मतलब उनका जन्म लेना तो तय था ना? हाँ बिल्कुल। और उस पिक्चर में उस विधवा के मरे हुए बेटे के बारे में जो दिखाया था, वो देख के मैं तो हिल गई। कैसे उस मरे हुए बेटे को यीशु मसीह ने सबके सामने खड़ा कर दिया। मरा हुआ व्यक्ति एक विधवा का इकलौता पुत्र था। जब यीशु ने उस विधवा की तरफ देखा, उनका हृदय दया से भर उठा।
उन्होंने कफन उठाया और कहा, ए नौजवान, मैं तुमसे कहता हूं उठो। और मरा हुआ युवक उठ बैठा। यीशु ने उसे उसकी मां को सौंप दिया। यीशु ने बहुत ही पवित्र जिंदगी गुजारी। वो उन गरीबों और लाचारों के साथ उठते बैठते थे जिन्हें इस समाज ने धुतकार दिया था। मुझे तो लगता है जैसे कि वो इस रास्ते से चलते आ रहे हैं। वो तो चमत्कारी था। वो औरत जो सालों से बीमार थी, उसने किसी तरह यीशु को छू लिया और एकदम से ठीक हो गई। हाँ लो, मिल गई फिर से तीनों लड़कियाँ। चलो चलो शुरू करो तुम्हारे बातों के फटकारे। बाबूजी, हम तो प्रताप के बारे में ही बात कर रहे थे। क्या उसके ठीक होने की कोई उम्मीद है? बिल्कुल है भाई, उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है। बाबूजी, वो जो पिक्चर में दिखाया, क्या वो सब बातें सही हैं? क्या वो हमें सब बीमारियों से छुटकारा दिलवा सकते हैं? लगता तो ऐसा ही है बेटा, वो गलत क्यों दिखाएंगे। और वो औरत जिसने हिम्मत करके यीशु को छू लिया था? बेटा, उसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अब देखो, उस जमाने के रीति रिवाजों को देखते हुए वो ये तो नहीं कह सकती थी कि आओ मुझे छुओ, लेकिन उसके अंदर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि अगर उसने यीशु की पहनी हुई पोशाक के किसी किनौर को भी छू लिया ना, तो एकदम ठीक हो जाएगी। यीशु पलटे और पूछने लगे, मुझे किसने छुआ है? लोग जो उनके आसपास थे बोले, देखिए ना, आपके चारों तरफ कितने लोग हैं, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। यीशु ने कहा, किसी ने तो मुझे छुआ है, क्योंकि मुझमें से सामर्थ्य निकली है। जब उस स्त्री ने देखा कि वो छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और यीशु के चरणों में गिर पड़ी। उसने बताया कि वो 12 वर्षों से बीमार थी और उसने यीशु के वस्त्र के आंचल को छुआ तो तुरंत स्वस्थ हो गई। यीशु ने उससे कहा, बेटी निश्चिंत हो जा, तेरे विश्वास ने तुझे स्वस्थ किया है, कुशल से चली जा। बाऊजी, आपको क्या लगता है, क्या यीशु परमेश्वर हैं? शुरू शुरू में तो मुझे ऐसा नहीं लगा, पर जितना ज्यादा मैंने यीशु को पढ़ा, उनके बारे में जाना, उतना ही ज्यादा मुझे उनसे प्यार होने लगा। उन्होंने कितने लोगों की मदद की, कितने चमत्कार किए। उनके चमत्कारों और उनकी बातों को जानकर ही मैं परमेश्वर को जान पाया, उस परमेश्वर को जिसने हमें बनाया, जिसने इस सारी दुनिया को बनाया। एक बात पूछूं बाऊजी? हम्म? क्या इतनी सी बातें आपके लिए काफी थीं? क्या आपने यीशु पे इतना विश्वास कर लिया? देखो बेटे, इंसान को किसी भी बात पर विश्वास तब होता है जब कोई बात उसके मन को छू ले। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से तो नहीं समझा सकता, परंतु न जाने क्यों कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यीशु के अंगरखे के किनोर को छू सा लिया और मेरे मन के अंदर का कोई एक हिस्सा सुधर सा गया। वैसे उस जमाने में और भी बहुत से सिद्ध महात्मा थे, किंतु यीशु सबसे अलग थे। बेटा, वो यीशु ही थे जिन्होंने अपने हत्यारों तक को माफ कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि जिंदगी समझने और समझाने की चीज नहीं है। उन्होंने हमारे और परमेश्वर के बीच एक नया रिश्ता कायम कर दिया था, क्योंकि वो खुद ही परमेश्वर जो थे। अगर आज यीशु मसीह होते तो हमारे गांव में क्या क्या होता? बेटा, तुमसे किसने कहा कि वो नहीं है? वो तो हर जगह है, हमेशा है। लेकिन कैसे बाबूजी? देखो बेटा, यीशु इस दुनिया में किस लिए आए थे? हमारे साथ रहने के लिए ही ना, हमारा दुख दर्द, हमारी मुसीबतों को समझने के लिए ही ना। पर वो जमाना आज के जैसा नहीं था। उस वक्त गरीबी बहुत थी, मुट्ठी भर अमीर थे वो लालची थे, कानून भी उन्हीं की सुनता था। गरीबों पर तो बस जुल्म ढाया जाता था, उन पर बोझा डाला जाता था। और ऐसे में यीशु ने जन्म लिया। वो सच्चे लोगों का मसीहा बन करके आया और उसने परमेश्वर का संदेश जन जन तक पहुंचाया।
कहने को तो उन्होंने मौत को अपना लिया था, लेकिन वो फिर से जिंदा होकर के लौटे हैं। अब तुम ही बताओ, अगर उनमें इतनी ताकत नहीं होती तो वो जिंदा होकर के कैसे लौटते? इसलिए वो कहीं नहीं गए। इसका मतलब क्रूज पर यीशु का मरना इस कहानी का मुख्य अंग है। बिल्कुल सही, उनके खून के बहने में ही मोक्ष है। जरा सोचो कैसा लगा होगा परमेश्वर को वो सब करते हुए। ये मानना बड़ा मुश्किल है। हम अपनी औलाद को किसी और के लिए कुर्बान करना तो छोड़ो, किसी भी चीज के लिए कुर्बान नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ वो आज भी हमारे बीच हैं। अगर वो आज मुझे मिल गए तो मैं उनसे कहूंगी कि प्रभु मेरे परताप को ठीक कर दे, मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जाता। बाऊजी, यीशु हमारे प्रताप को ठीक कर सकते हैं ना? क्यों नहीं ठीक कर सकते? अच्छा, तुम लोगों ने उस पिक्चर में नहीं देखा कैसे उस लड़के पर भूतों ने कब्जा कर लिया था? बेचारा पछाड़ खा खा कर गिर रहा था। यीशु ने उसे देखा और देखते ही समझ गए कि उस पर शैतानों ने कब्जा कर लिया है। यीशु ने शैतानों से कहा, चलो भागो, निकलो यहां से, छोड़ो इसे, और सबके सब भाग गए। गुरुजी, गुरुजी, कृपा करके मेरे बेटे को देखिए, दया करके उसकी सहायता कीजिए। ये मेरी अकेली संतान है। मैंने आपके चेलों से दुष्टात्मा निकालने की विनती की, परंतु वे इसे न निकाल पाए। अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूं और तुम्हें सहता रहूं? अपने पुत्र को यहां लाओ। अरे, इसका चेहरा भी ठीक हो गया। विश्वास नहीं होता। अब तुम ही बताओ, जब यीशु वो सब कर सकते हैं तो क्या वो हमारे प्रताप को ठीक नहीं कर सकते? ऐसी कृपा और ऐसा चमत्कार तो परमात्मा ही कर सकता है। तो क्या यीशु भी परमेश्वर ही थे? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब जरा सोचो कि कैसे उस अंधे आदमी ने गिड़गिड़ा कर कहा कि यीशु मुझ पर कृपा करो। यीशु ने पूछा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, मैं अपनी इन दो आँखों से ये दुनिया देखना चाहता हूँ। और यीशु ने उसे फौरन वो ताकत दे दी। अब जरा सोचो, जो इतना कर सकता है, क्या वो हमारे प्रताप को ठीक नहीं कर सकता? कर सकता है, बस हमें सच्चे मन से उसे मांगना होगा। प्रताप के लिए हम क्या नहीं करेंगे? एक बार सच्चे दिल से यीशु को याद तो करके देखते हैं। क्या मालूम कोई कृपा हो जाए। हाँ हाँ, एक बार मांग कर तो देखो। हे यीशु, हम पर कृपा करो, बद्री के परिवार का कष्ट दूर करो, इस गांव को संकट से मुक्ति दिलाओ। आपके बिना हमारा ये जीवन अधूरा है यीशु। मां
दुनिया की हर रंगत उसका चेहरा है, दुनिया की हर रंगत उसका चेहरा है, अपनी तो हर सांस में उसका।